तो दोस्तों अब अच्छी बात यह है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ मैथ्यू आर्नोल्ड, जो कि 19th सेंचुरी के एक बहुत ही फेमस क्रिटिक थे, उनका एक क्रिटिकल एसे द स्टडी ऑफ पोएट्री। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में। मैथ्यू आर्नोल्ड 19th सेंचुरी के बहुत ही फेमस पोएट और क्रिटिक थे। क्रिटिक तो इन्हें क्या कहें, ये तो मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म के फादर थे। इन्होंने सोशल कल्चरल ऐसे बहुत सारे इश्यूज पे लिखा है। इसी के साथ साथ ये एक पोएट भी थे बहुत फेमस। इनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता है डोवर बीच करके, बहुत ही अच्छी बहुत ही खूबसूरत सी कविता है, पढ़िएगा जरूर। तो द स्टडी ऑफ पोएट्री मैथ्यू आर्नोल्ड का एक क्रिटिकल ऐसे है जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस ऐसे में आर्नोल्ड ने आर्ट ऑफ पोएट्री को क्रिटिसाइज किया है और इसी के साथ साथ आर्नोल्ड ने आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म को भी क्रिटिसाइज किया है। वो कैसे क्रिटिसाइज किया है वो आगे हमें पता चलेगा। आर्नोल्ड कहता है कि हमें पोएट्री की गंभीरता, गहराई और कीमत को समझना चाहिए। पोएट्री समाज को आईना दिखाती है और आर्नोल्ड के अनुसार साइंस भी पोएट्री के बिना अधूरा है। वहीं आर्नोल्ड के अनुसार रिलीजन और फिलोसफी पोएट्री के मार्गदर्शक है। आर्नोल्ड के अनुसार मनुष्य पोएट्री में अपना कंफर्ट, अपनी संतुष्टि ढूंढता है और आगे भी ढूंढेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्नोल्ड ये कहता है कि जब भी कोई पोएट्री पढ़ता है तो तीन टाइप से उस पोएट्री का आकलन करता है कि ये जो पोएट्री है ये बेस्ट फॉर्म में लिखी गई है या फिर नहीं। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये तीन टाइप के एस्टिमेट कौन से हैं। सबसे पहला रियल एस्टिमेट, दूसरा हिस्टोरिकल एस्टिमेट और तीसरा है पर्सनल एस्टिमेट। तो इन तीनों एस्टिमेट्स में आर्नोल्ड ये कहता है कि ये जो रियल एस्टिमेट होता है ना, इसको हमेशा हिस्टोरिकल और पर्सनल एस्टिमेट के द्वारा दबाया जाता है। आर्नोल्ड यहाँ पे रियल एस्टिमेट यानी कि सच्चा जो आकलन होता है ना, इसको ज़्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन इसी के साथ साथ वो ये भी कहता है कि ये तो स्वाभाविक है कि हम हिस्टोरिकल और पर्सनल एस्टिमेट्स के द्वारा रियल एस्टिमेट को दबाते हैं, क्योंकि पर्सनल एस्टिमेट अगर हम करेंगे तो पोएट्री को पढ़ते वक्त, हम एनालिसिस निकालते वक्त उस पोएट्री का अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को देखेंगे, उस हिसाब से उसका एनालिसिस निकालेंगे। जबकि हिस्टोरिकल एस्टिमेट के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि हम लोग उस टाइम की परिस्थितियाँ देखते हैं जब ये कविता लिखी गई होगी, लेकिन रियल एस्टीमेट कोई नहीं करता। और आर्नोल्ड इसी सच्चे आकलन यानी कि रियल एस्टीमेट का सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे आर्नोल्ड ये भी कहता है कि जो पोएट होता है उसको अपनी पोएट्री और जो पोएट्री का रीडर है उसके प्रति ईमानदार होना चाहिए। वहीं रीडर से भी कहता है कि कुछ भी पढ़ो तो एकदम सतर्क रह करके पढ़ो, मतलब कि जो पोएट्री है उसकी कमियों को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो। इसके साथ साथ आर्नोल्ड पोएट के लिए कहता है कि अगर एक क्लासिक पोएट कोई होगा ना, कोई अगर एक क्लासिक पोएट होगा तो वो अपने रीडर्स को ऐसी पोएट्री देगा जिसे पढ़ने में एक रीडर को मजा आए, रियल प्लेजर मिले उसे। अब आर्नोल्ड के अनुसार ये जो तीन टाइप के एस्टिमेट है, इसमें जो हिस्टोरिकल एस्टिमेट है ये एंशियंट पोएट यानी कि पुराने पोएट्स जो थे उनकी स्टडी करने को अफेक्ट करता है। वहीं ये जो पर्सनल एस्टिमेट है ये मॉडर्न पोएट्स की स्टडी करने को अफेक्ट करता है। तो यहीं पे ही आर्नोल्ड ने एक, ध्यान से सुनना, एक टचस्टोन मेथड दिया है। ये टचस्टोन मेथड है क्या? ये पोएट्री को दूसरे वर्क से कंपेयर करने का एक साइंटिफिक तरीका है। ये एक बहुत ही फेमस मेथड है मैथ्यू आर्नोल्ड का, और इसे ध्यान में रखना। अब आगे आर्नोल्ड फ्रेंच पोएट्री के बारे में बताता है कि किस तरह से फ्रेंच पोएट्री का इंग्लैंड पर इन्फ्लुएंस हुआ। उसने नॉर्दर्न फ्रांस और सदर्न फ्रांस जो है उसकी पोएट्रीज में डिफरेंस बताया है। सदर्न फ्रांस की पोएट्री का इन्फ्लुएंस पड़ा था सिर्फ इटालियन लिटरेचर पे, जबकि नॉर्दर्न फ्रांस की पोएट्री ने पूरे यूरोप पे डोमिनेट किया था 12th और 13th सेंचुरी में। आर्नोल्ड यहाँ पे हिस्ट्री में चला गया है, यानी कि कैसे इंग्लैंड में एंग्लो नॉर्मन्स के द्वारा लिटरेचर आया था फ्रांस का, और इन पोएट्रीज में बहुत सारी कमी थी, यानी कि ये रोमांटिक पोएट्रीज हुआ करती थी, इसके साथ साथ इनमें लेक ऑफ सीरियसनेस।
हाई ट्रुथ की कमी हुआ करती थी, यानी कि सच्चाई की कमी हुआ करती थी, कृत्रिम टाइप की पोएट्री थी ये। इसके बाद आर्नोल्ड बात करता है चौसर की, जो कि इटालियन और फ्रेंच लिटरेचर से प्रभावित था, और चौसर का जो पोएटिक इन्फ्लुएंस था वो रियल एस्टिमेट का रिजल्ट था, ना कि हिस्टोरिकल एस्टिमेट का। अब दोस्तों इसी के साथ साथ आर्नोल्ड आगे मिल्टन की, शेक्सपियर की, ड्राइडन की, शैले की, वर्ड्सवर्थ की, इन सब की बातें करेगा, तारीफ करेगा, एनालिसिस निकालेगा और कोई जजमेंट पास नहीं करेगा। तो ये जो ऐसे है क्रिटिकल ऐसे आर्नोल्ड का स्टडी ऑफ पोएट्री, इसका कंक्लूजन, एक निष्कर्ष क्या निकल सकता है कि इसमें आर्नोल्ड ने ढंग से पोएट्री की स्टडी की है, और इसी के साथ साथ रीडर्स को एक सलाह दी है कि कभी भी ब्लाइंड होकर के पोएट्री मत पढ़ो, उसके सिर्फ अच्छे ही अच्छे पहलू मत देखो, बुरे भी देखो। और इसी के साथ साथ आर्नोल्ड रियल एस्टिमेट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और एक आखिरी चीज़ ये कि आपको ये टचस्टोन मेथड के बारे में पढ़ना है कि ये क्या चीज़ थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।